साल 2023 हम सभी के दरवाजों पर दस्तक दे चुका है और साल 2023 में नवाबों की नगरी लखनऊ दो बड़े ग्लोबल कार्यक्रमों G20 समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत को इस साल G20 की अध्यक्षता मिली है और उत्तर प्रदेश के चार जिलों में भी इसकी बैठक होने वाली है। ये चार जिले हैं आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। आपको बता दें कि G20 यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक समूह है जो दुनिया की 60% आबादी और वैश्विक GDP के 80% हिस्से को कवर करता है। इसके अलावा फरवरी 2023 में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक भी होनी है। उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए ये प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इन दोनों बड़े कार्यक्रमों की होस्टिंग के लिए लखनऊ को फिर से रेनोवेट किया जाएगा। नवाबों की नगरी को स्मार्ट नगरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। विदेशी मेहमानों के लिए कैसरबाग से हुसैनाबाद तक के 5 किलोमीटर की रेंज में हेरिटेज कॉरिडोर को सजाया जाएगा। इसके अलावा ये विदेशी मेहमान लखनऊ के जायकेदार व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे और इसके लिए हेरिटेज कॉरिडोर में फूड कोर्ट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस हेरिटेज कॉरिडोर की 8 ऐतिहासिक इमारतों का भी उद्धार किया जाएगा और वहां पर नाइट लाइटिंग का भी प्रबंध किया जाएगा। ऐतिहासिक इमारतों के विकास के लिए 30 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इन ऐतिहासिक इमारतों में लाइटिंग होने से वहां रात्रि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के तहत इन स्मारकों को शामिल किया गया है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, नौबत खाना, क्लॉक टावर, रूमी दरवाजा, सादत अली खान का मकबरा, कोठी दर्शन विलास और कोठी गुलिस्ताने इरम। प्राधिकरण ने बताया कि 8 साल पहले इन स्मारकों पर लाइटिंग की गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में यहाँ की एक तिहाई लाइटें काम नहीं करती हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार ने कहा कि पिछली बार इन स्मारकों में 95 लाइटें लगाई गई थी, लेकिन इस बार 250 लाइटें स्मारकों के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाई जाएंगी। इस परियोजना के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।